गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। वेरी गुड। तो जैसे पहले हमने पढ़ी थी शेप्स हमारे पहले वीडियोस में, आई थिंक आप सबको समझ में आई होगी, आई है ना? अच्छे से, वेरी गुड। हमारा आज का टॉपिक है पैटर्न। क्या है हमारा आज का टॉपिक? पैटर्न। बोलो जल्दी बोलो, कौन सा टॉपिक है हमारा आज का? पैटर्न। वेरी गुड। तो पैटर्न क्या होता है? ओके, पैटर्न होता है वही चीज जो रिपीट होती है। पैटर्न क्या होता है? जो चीज रिपीट होती है, रिपीटेशन में चलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे कुछ एग्जांपल से। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। वेरी गुड। कौन सी शेप है ये? स्क्वायर। अब देखिए हमारी फर्स्ट शेप कैसी है? थोड़ी सी बड़ी है, ओके? और हमारी सेकंड शेप कैसी है? स्क्वायर ही है बट थोड़ी सी छोटी है, ओके? बड़ी, फिर छोटी, फिर वही बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी। तो ये जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है वो कैसे चल रहा है? बड़ा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर। तो जो हमारा सीक्वेंस में चलता है रिपीटेशन में, लाइक बड़ा आया, फिर छोटा आया, फिर दोबारा से बड़ा रिपीट हो गया, फिर दोबारा से छोटा रिपीट हो गया, ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है। ये चीजें क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। जो चीज रिपीटेशन में चलती है कंटिन्यू, ओके, वही चीज बार बार आती रहती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। अंडरस्टैंड? देखिए दिस इज आवर स्क्वायर, उसके बाद ये क्या है हमारा? ट्राइंगल। ये भी क्या है हमारा? ट्राइंगल। अब क्या है हमारे? टू ट्राइंगल आ गए। एक स्क्वायर के बाद कितने ट्राइंगल आ गए हमारे? टू, ओके? उसके बाद क्या हुआ? फिर वही स्क्वायर रिपीट हो गया, रिपीट हुआ, उसके बाद वही हमारा फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, ओके? फिर वही हमारा स्क्वायर रिपीट हो गया, उसके बाद फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल। तो समझ में आया? जो चीज हमारी रिपीट होती है, ओके, सीक्वेंस में, कंटिन्यूटी में जो चीज हमारी रिपीट होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। अब देखिए हमारे मैथ्स में कैसे पैटर्न होते हैं? टू, फोर, सिक्स। तो इसमें हमें कुछ सिमिलैरिटी लग रही है, कुछ सिमिलर है, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स। तो आई थिंक ये कोई टेबल है। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट। वेरी गुड। टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा फोर्टीन। वेरी गुड। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा हो गया पैटर्न, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया, जो इनकम्प्लीट था, ओके? नेक्स्ट देखिए, टेन, ट्वेंटी, थर्टी। ये क्या है? ये शायद हमारी काउंटिंग है ना, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी। ये क्या है? हमारी काउंटिंग है। टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी, सिक्सटी, सेवेंटी। ये भी हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब क्या होता है हमारा? पैटर्न। जो चीज कंटिन्यूटी में चलती है विद रिपीटेशन, रिपीटेशन के साथ कंटिन्यूटी में जो चीज चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैटर्न। ओके, हमने कोई भी चीज बनाई, देखिए स्क्वायर बनाया, ट्राइंगल बनाया, फिर स्क्वायर बनाया, फिर ट्राइंगल बनाया, तो ये क्या हो गया हमारा? पैटर्न हो गया। इसमें हम कोई भी चीज ले सकते हैं, सिर्फ हमारे शेप्स और काउंटिंग का ही नहीं रहता है, कोई भी चीज, किसी भी चीज का हम पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें कलर फिल कर दिया, हमने इसमें कौन सा कलर फिल किया? रेड। इसमें हमने क्या किया? येलो। तो अब स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो इसमें भी हमने रेड ही करना है, और ट्राइंगल में हमने येलो भरा था, तो दूसरे ट्राइंगल में भी हमने क्या करना है? येलो, ओके? तो ये जो पैटर्न है ये हमारी कई चीजों में आता है, शेप्स में, कलर्स में, काउंटिंग में, पिक्चर्स में, और भी बहुत सारी चीज है, बट मेन पॉइंट क्या होता है? कंटिन्यूटी एंड रिपीटेशन। सेम टाइम पे रिपीटेशन, कब स्क्वायर आना है, किसके बाद आना है और कैसे आना है, ठीक है? तो ये सब हमारा किस पे डिपेंड करता है? ये सब हमारा क्या कहलाता है? पैटर्न।
क्या कहलाता है ये सब हमारा? पैटर्न। ओके और बाकी का हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे ना, तो हमें उससे ज्यादा समझ में आएगा जब हम खुद करेंगे। ओके तो ये चीज आप एक बार करके देखिए, जब आप अपनी कॉपी में करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके।